अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल लॉयर गुरुजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो के अपडेट्स लगातार आपको मिलते रहे। तो दोस्तों आज इस वीडियो पे हम बात करेंगे स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 है क्या, इस एक्ट के अंतर्गत कौन विवाह कर सकता है, क्या शर्तें बताई गई हैं और विवाह कैसे किया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे स्पेशल मैरिज एक्ट क्या है, कौन विवाह कर सकता है, क्या शर्तें बताई गई हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत लड़का और लड़की दोनों बालिग होने चाहिए। यहाँ बालिग से मतलब है लड़के की उम्र 21 वर्ष पूरी हो गई हो और लड़की की उम्र 18 वर्ष पूरी हो गई हो। लड़का और लड़की दोनों की मानसिक स्थिति सही होनी चाहिए ताकि वे इस विवाह को सहमति दे सके। लड़का और लड़की चाहे समान धर्म के हों या अलग धर्म के हों या प्रेमी जोड़े हों, वे इस एक्ट के अंतर्गत एक दूसरे से विवाह कर सकते हैं। विवाह हो जाने के बाद या विवाह होने से पहले उन दोनों को अपना धर्म बदलने की भी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि यह विवाह एक रजिस्टर्ड विवाह होता है जो कि रजिस्ट्रार के सामने किया जाता है, इसमें 3 गवाह की जरूरत भी पड़ती है। इस विवाह के अंतर्गत, इस अधिनियम के अंतर्गत यदि दो विवाह इस अधिनियम के अंतर्गत यदि दो हिंदू विवाह करना चाहते हैं तो वे प्रतिसिद्ध नातेदारी और सापिंड नातेदारी के अंतर्गत नहीं आने चाहिए। सापिंड नातेदारी से मतलब यह है कि पिता की 5 पीढ़ी और माँ की 3 पीढ़ी के अंतर्गत वे लड़का और लड़की एक दूसरे की रिश्तेदारी में ना आते हों, और प्रतिसिद्ध नातेदारी से मतलब यह है लड़का और लड़की आपसी रिश्तेदारी के अंतर्गत ना आते हों, जैसे बुआ फूफा मौसा मौसी भाई बहन चाचा चाची आदि से है। अब दोस्तों हम बात करेंगे विवाह होता कैसे है। यदि लड़का और लड़की दोनों विवाह के लिए इच्छुक हैं तो उन्हें अपने नजदीकी क्षेत्र के ADM ऑफिस में विवाह के लिए एक अर्जी दाखिल करनी होती है। इस अर्जी के साथ उन्हें कुछ डॉक्यूमेंट्स भी लगाने होते हैं जैसे जन्म प्रमाण पत्र। जन्म प्रमाण पत्र इसलिए लगाया जाता है क्योंकि उसमें लड़का और लड़की की सही जन्म तिथि लिखी होती है। लड़का और लड़की दोनों को एक शपथ पत्र भी देना होता है जिसमें यह लिखा होता है कि वे दोनों अपनी आपसी सहमति से विवाह कर रहे हैं, वे दोनों इच्छुक हैं इस विवाह के लिए और इस विवाह में ना तो किसी का कोई जोर है और ना ही किसी का कोई दबाव है। और लड़का और लड़की की फिजिकल वेरिफिकेशन होती है। फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाने के बाद उनको 1 महीने के बाद आने के लिए कहा जाता है। इस 1 महीने के अंदर नोटिस बोर्ड में एक नोटिस चिपकाई जाती है जिसमें यह लिखा जाता है यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह बताए। यह नोटिस पीरियड समाप्त हो जाने बाद लड़का और लड़की को रजिस्ट्रार के सामने पेश किया जाता है जो कि विवाह संपन्न कराता है। मैरिज रजिस्ट्रार के सामने 3 गवाहों को भी पेश किया जाता है जो कि यह गवाह देते हैं कि यह लड़का और लड़की दोनों अपनी आपसी सहमति से विवाह करने के लिए तैयार हैं। जब मैरिज रजिस्ट्रार इन 3 गवाहों से और लड़का और लड़की के बयानों से सहमत हो जाता है तो वह मैरिज सर्टिफिकेट जारी कर देता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताएं।